चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, ध्यान रखना है क्या क्या प्रोसेस है। इनकम इसी साल के, एक्सपेंसेस इसी साल के, और कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, मगर इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट जब दिया होगा ना तो यू हैव टू स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है, डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। हमें डोनेशन मिला बिल्डिंग फंड के लिए और गलती से हमने सब्सक्रिप्शन में लिख दिया। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो सब्सक्रिप्शन है 1,11,500, इसमें 10,000 रुपये बिल्डिंग फंड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, एक एस्ट्रिक लगा दे रहा हूँ। आप कोई ना कोई यहाँ पे मार्किंग कर दो। मार्किंग क्यों? क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, जिसमें भी एडजस्टमेंट है ना उसमें मार्किंग कर दो, गलती नहीं होगी। और नहीं करोगे ना, ओवर कॉन्फिडेंस में गलती होने की संभावना कहीं ज़्यादा होती है। और दूसरा, अगर मान लो गलती हो भी जाती है तो पकड़ में आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने निशान लगा के रखा है, मार्किंग करके रखी है। तो क्या करना है, करना ये है कि जब कभी भी आप देखोगे एडजस्टमेंट है किसी भी एंट्री को लेकर, तो वहाँ पे मार्किंग कर दो। ठीक है, चलो। अब अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 12,800 वॉज आउटस्टैंडिंग। तो मेडिसिन का एक बिल है जो कि अभी भी देना बाकी है। तो आप देखिए यहाँ पे एक्सपेंसेस में ये पेमेंट्स है, ये रिसिप्ट है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे मेडिसिन वगैरह है, सैलरी ऑफ नर्सेस, ये है ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिसिन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, 12,800 एड ऑन करना है। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। गवर्नमेंट ग्रांट मैंने आपको बताया था, कई बार सरकार से क्या मिलता है, ग्रांट मिलता है। और ग्रांट अगर आपको देखना पड़ेगा किस पर्पस के लिए, जनरल पर्पस के लिए है तो अलग ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो अलग ट्रीटमेंट है। जनरल पर्पस के लिए है तो वो इनकम मानी जाती है, स्पेसिफिक होता है तो बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, डिस्कस कर चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट ग्रांट है, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा सीधा वो बता रहे हैं कि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है। चल अब क्या करना है, मार्किंग करनी है प्रॉपर। ये तो मैंने मार्किंग एस्ट्रिक लगा दिया किसके लिए, कि इसमें कुछ न कुछ करना बाकी है। अब उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन आएगा किधर, ये सब्सक्रिप्शन सर आएगा इनकम साइड, फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स इनकम साइड, इनकम है। गवर्नमेंट ग्रांट इनकम साइड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग आएगा नहीं आएगा, अरे नहीं आएगा सर, स्पेसिफिक पर्पस है, बैलेंस शीट में जाता है, तो ये बैलेंस शीट में। इंटरेस्ट मिला है इनकम, सैलरीज फॉर नर्सेस एक्सपेंसेस, बोर्ड लॉन्ड्री डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ कार नहीं, ये तो कार खरीद रहे हैं भाई, बिल्कुल नहीं। हाँ, कार पे कुछ पैसे खर्च हुए हैं वो डेफिनेटली आप एक्सपेंस में लिख दो। ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंस में लिख दो। डन डन। अब कैसे करना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन में आइए सबसे पहले, तो जिसमें भी एडजस्टमेंट है ना, ये मार्किंग की हुई है, उसका अमाउंट आप सीधे अमाउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, ये नियम है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ किया जाना बाकी है। तो लेस, यहाँ पे बिल्डिंग फंड इसमें जुड़ा हुआ है ना, तो बिल्डिंग फंड इसमें माइनस कर देंगे, कितना, 10,000, 10,000। ठीक है, तो ये माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा, 101,500। क्लियर है। उसके बाद है फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, कितनी है, 27,000। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीस। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट ग्रांट, तो ये भी लिख दिया मैंने, 1,00,000 रुपए गवर्नमेंट ग्रांट। उसके बाद है डोनेशन, इधर आएगा नहीं, इंटरेस्ट डेफिनेटली आएगा, 3,800, ये है हमारी इनकम। सैलरी फॉर नर्सेस, तो नर्सेस को हमने 65,600 दिया है, एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प,
है भाई, बी एल डी कितना है? 38,000, 38,000। उसके बाद आइए रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स टैक्सेस कितना है? 20,000, ठीक है। उसके बाद आइए, ये कॉस्ट ऑफ कार नहीं आएगा, एक्सपेंसेस ऑफ कार डेफिनेटली आएगा, 84,000 एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या है? हाँ, ये देखो यहाँ पे मार्किंग आपको दिख रही है ना, एस्ट्रिक लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? ड्रग, ठीक है, ड्रग कितना है? 67,000 उसमें नहीं लिखेंगे, और 12,800 आप जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग, तो ये कितना हो जाएगा? 79,800। डन, बस हो गया। अब केवल और केवल कैलकुलेशन है, चलिए देखते हैं। तो क्रेडिट साइड आ रहा है, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, चलो अभी लिख देते हैं अपन, फिर रफ कर देंगे। 232,300 ये क्रेडिट साइड है, और डेबिट साइड देख लेते हैं। 65,600 प्लस 38,000 प्लस 20,000 प्लस 84,000 प्लस 79,800, तो ये आ रहा है 287,400। तो 287,400 माइनस 232,300। तो अभी ध्यान देना, यहाँ पे एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, इसको कहते हैं डेफिसिट। वैसे लॉस बोला जाता है, मगर यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको कहते हैं क्या? डेफिसिट। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डेफिसिट। कितना आ रहा है? 55,100। इसको भी रब करके और इसके इक्वल लिख देंगे आप, ठीक है। इसको चलिए रब कर देता हूँ मैं, तो ये हो गया 287,400, ठीक है। समझ में आया कहाँ से शुरुआत करनी है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो दी है आपको, ठीक है ना, एडजस्टमेंट दी है, वहाँ से शुरू करो, प्रॉपर मार्किंग करो, जहाँ पे एडजस्टमेंट है वहाँ पे एस्ट्रिक लगाओ, और जहाँ पे जो इनकम में जाना है, जो एक्सपेंस में जाना है, जो बैलेंस शीट में जाना है, वो भी क्लियरली मार्किंग कर लो, ठीक है। तो इसे खुद से ज़रूर ट्राई करें, और मैं कहूँगा अगला क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। चलो, बाय बाय।